मैग्नस फैक्ट को समझने से पहले एक आसान से बात समझ लें, और वो ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की एक साइड पर हाई प्रेशर हो और दूसरी साइड पर लो प्रेशर हो, तो उस ऑब्जेक्ट पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक फोर्स लगती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोग इसे समझ लें तो मैग्नस इफेक्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या आपने अपनी डेली लाइफ में इसकी कोई एग्जाम्पल ऑब्जर्व की है? जी हाँ स्टूडेंट्स, और वो तब जब आप किसी ड्रिंक को पीने के लिए स्ट्रॉ यूज करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब आप स्ट्रॉ यूज करते हैं तो आप स्ट्रॉ के अंदर की सारी एयर को सक कर लेते हैं, और जब आप सारी एयर को सक कर लेते हैं तो स्ट्रॉ के अंदर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और अभी मैंने बताया कि जहां पर लो प्रेशर हो तो लिक्विड के ऊपर लो प्रेशर की तरफ एक फोर्स लगती है और लिक्विड अपने आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ये देखिए, जब मैं इस स्ट्रॉ में से एयर सक कर लूंगा यानी कि प्रेशर कम कर दूंगा, तो क्या होता है? तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने जैसे जैसे एयर सक की यानी प्रेशर कम किया, वैसे वैसे ये लिक्विड ऊपर आता गया। अब सवाल ये है कि क्या प्रेशर को कम करने का सिर्फ एक ही मेथड है कि एयर निकाल दें? नहीं स्टूडेंट्स, एक और बड़ा जबरदस्त मेथड है और वो बताता है मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट असल में बर्नौली इक्वेशन की ही एक एप्लीकेशन है, और मैग्नस इफेक्ट कहता है वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, कि जहां पर स्पीड ज्यादा हो जाए वहां पर भी प्रेशर कम हो जाता है। आइए जरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मेरे पास एक बलून है, अगर इस बलून की लेफ्ट साइड पर मैं एयर की स्पीड बढ़ा दूं यानी कि प्रेशर कम कर दूं, तो ये बलून देखिए किधर को जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने इसकी लेफ्ट साइड पर एयर की स्पीड बढ़ा दी और प्रेशर कम हो गया, और ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ ये मूव कर गया यानी कि फ्रॉम राइट साइड टूवर्ड लेफ्ट साइड। इसी तरह स्टूडेंट्स ये मेरे पास एक टिश्यू रोल है, अगर मैं इस टिश्यू रोल के ऊपर एयर ब्लो करूं तो एयर की स्पीड ज्यादा हो जाएगी और प्रेशर कम हो जाएगा, और आपको पता है जहां पर प्रेशर कम हो उधर को एक फोर्स लगती है, तो ये टिश्यू जो है देखिए किधर को जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये टिश्यू नीचे जाने के बजाय ऊपर को जा रहा है, हम इसे इस हेयर ड्रायर की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से टिश्यू जो है ऊपर को जा रहा है जबकि नीचे नहीं जा रहा। इसी तरह स्टूडेंट्स आप इस मैग्नस इफेक्ट को एक और जगह पर बड़ा क्लियरली देख सकते हैं, और वो है ये शावर। आपको पता कि जब आप इसे प्रेस करते हैं तो जहां से लिक्विड निकलता है, ऐसा कैसे हो जाता है? बेसिकली जब आप इसे प्रेस करते हैं तो यहां से एयर बड़ी तेजी से निकलती है, और जब एयर की स्पीड बहुत ज्यादा हो तो प्रेशर कम हो जाता है, और आपको पता कि जहां पर प्रेशर कम हो लिक्विड के ऊपर ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ एक फोर्स लगती है, और ये जो लिक्विड है ना सिर्फ ऊपर को आता है बल्कि एयर के साथ बाहर भी चला जाता है। इसी तरह आप लोग परफ्यूम और सेंट वगैरह यूज करते हैं, इनके ऊपर जो नोजल लगी होती है ये भी इसी इफेक्ट के जरिए ही काम करती है, और जब आप इसे प्रेस करते हैं तो इसके अंदर जो भी सेंट या परफ्यूम वगैरह होता है वो बाहर आ जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स मैग्नस इफेक्ट हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है, उनमें से कुछ यूजेज जो हैं वो बहुत यूजफुल हैं और कुछ जो हैं वो यूजफुल तो नहीं है लेकिन बहुत मजे के हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक बॉल है और इस बॉल को मैं लेविटेट करना चाह रहा हूँ, इसके लिए मैं इस ब्लोअर को यूज करूंगा। ये देखिए, मैं जैसे इसे ऑन करूंगा तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह ये बॉल जो है लेविटेट कर रही थी। मुमकिन है कि आप लोगों के लिए ये बहुत कॉमन सी बात होगी कि एयर ऊपर को पुश कर रही थी, इस वजह से जो बॉल थी वो नीचे नहीं आ रही थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब मैं इस बॉल को इस ब्लोअर की मदद से यहां पर लेके गया था तो ब्लोअर तो साइड पे था, अब इस बॉल को नीचे गिर जाना चाहिए था लेकिन नीचे नहीं गिरी। अब इसके बिहाइंड रीजन जानते हैं कैसा क्यों हुआ। बेसिकली जब एयर यहां से जा रही थी तो एयर को गुजरने के लिए पाथ चाहिए था, लेकिन पाथ नहीं मिला तो एयर क्या करती है कि इस बॉल की दोनों साइडों से गुजर जाती है। जब एयर जहां से गुजरती है तो एयर के गुजरने की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और जहां पर स्पीड ज्यादा हो वहां पर प्रेशर कम हो जाता है, तो इस बॉल की साइडों पर प्रेशर जो था वो बहुत कम था, जबकि साइड्स पे एटमोस्फेरिक प्रेशर ज्यादा था, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ एक फोर्स लगती है, इस वजह से बॉल स्टक होगी और ये नीचे नहीं गिरी। तो स्टूडेंट्स अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस इफेक्ट को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किन किन चीजों पर ट्राई करते हैं,
और आपने देखना है कि कौन सी चीजें फ्लोट करती हैं और कौन सी फ्लोट नहीं करती हैं। जो फ्लोट नहीं करती हैं उनकी शेप में ऐसी कौन सी खराबी है जिस वजह से वो फ्लोट नहीं कर रही। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बल्ब है और मैं इस बल्ब को लेविटेट करना चाहता हूं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह मैंने इस बल्ब को इस ब्लोअर की मदद से लेविटेट किया। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से एक सवाल करता हूं कि अगर मैं इस बॉल को इस चलते हुए पानी के अंदर ले जाऊं तो बॉल किधर को जाएगी, तो स्टूडेंट्स कहते हैं इधर को जाएगी। आइए जरा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ऐसे लग रहा है जैसे ये बॉल पानी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। बेसिकली क्या हो रहा है कि इस साइड पर पानी की स्पीड ज्यादा है और आपको पता है जहां पर स्पीड ज्यादा हो वहां पर प्रेशर कम होता है और ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ एक फोर्स लगती है, इसी वजह से ये बॉल पानी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। इसी तरह स्टूडेंट्स एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और वो ये है कि मैं इस पाइप की मदद से इन स्टायरोफोम की कुछ बॉल्स हैं, कुछ सारी हैं छोटे छोटे, इनको मैं ऊपर लेके आना चाहता हूँ। ये देखिए तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह ये स्टायरोफोम की छोटी छोटी बॉल्स थी कि अपने आप जो है ऊपर को आ रही थी। अब बेसिकली हुआ क्या कि जब मैं यहां पर एयर ब्लो कर रहा था तो एयर की स्पीड बहुत ज्यादा थी और एयर की स्पीड बहुत ज्यादा थी तो प्रेशर कम था, जबकि नीचे एटमोस्फेयर प्रेशर था और ये प्रेशर ज्यादा था तो ये बॉल जो है अपने आप ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव कर रही थी, इनके ऊपर एक फोर्स लग रही थी।